अस्सलाम वालेकुम। मुआहदा किरायादारी यानी कि टेनेंसी एग्रीमेंट, इसके हवाले से जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको डिसाइड करने की ताकत जिस कोर्ट के पास है उसको कहते हैं रेंट कंट्रोलर। और अगर रेंट कंट्रोलर के पास एक केस जो कि लैंडलॉर्ड फाइल करता है फॉर एविक्शन ऑफ हिज टेनेंट, उसके अंदर अगर कोई किरायादार ये ग्राउंड लेता है कि मैं तो इस लैंडलॉर्ड का किरायादार हूँ ही नहीं, मेरा तो इनसे किरायादारी का मुआहदा है ही नहीं, मैं तो इस घर का या इस कमर्शियल स्पेस का ऑनर हूँ, मैंने ये इनसे खरीद लिया था, तो ऐसे केसेस में इन जजमेंट्स में जो कि ऑनरेबल सुपीरियर कोर्ट्स की हैं, इसकी रोशनी में ये चीज़ वेल डिसाइडेड है कि कोई भी टेनेंट ऐसा इरेशनल डिफेंस बिफोर अ रेंट कंट्रोलर नहीं ले सकता। और अगर उसका केस ऐसा है तो उसकी जिम्मेदारी है कि पहले वो उस प्रेमिस को इविक्ट करे, उस घर को, मकान को, उस कमर्शियल स्पेस को इविक्ट करे, खाली करे, कब्जा उसका उस लैंडलॉर्ड के हवाले करे, सिविल कोर्ट में अपना केस फाइल करे, और अगर वहां से उसका केस बनता है तो उसके मुताबिक प्रोसीड करे। ऐसा इरेशनल डिफेंस रेंट कंट्रोलर के पास नहीं लिया जा सकता। थैंक यू।